पब्लिक टीवी आपकी आवाज। ग्लोबल इंडियन यंग साइंटिस्ट एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश की ओर से सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गुलाबबाड़ी मुरादाबाद के छात्र कृतज्ञ सिंह ने प्रतिभाग किया। कृतज्ञ ने अपने नवाचार में धुएं से बिजली पैदा की और नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए जूते तैयार किए। इन नवाचारों के लिए युवा वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। शिक्षक राकेश कुमार ने बताया कि छात्र की उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है, तो वहीं घर पहुंचे कृतज्ञ सिंह का भी जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और सभी परिवार के लोग खुश हैं कि उनका बेटा युवा वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित हुआ है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है मुझे। अच्छा, कौन से प्रोजेक्ट आपने तैयार किए थे जिसके बाद में आपको सम्मान मिला है? मुझे, मैंने दो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। पहला है दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जूते। जैसे कि दृष्टिहीन व्यक्ति इन जूतों को पहने कहीं भी जाते हैं और उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक अलार्म बज जाता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उन्हें चोट लगने से बचाया जा सकता है। ऐसी दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा धुएं से बिजली। जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, हमने उस धुएं से बिजली बनाई है। तो जैसे कि हम आधे घंटे तक धुआं निकल रहा है और हम उससे फिर 20 मिनट तक बिजली जला सकते हैं, कोई बल्ब जला सकते हैं और हम उस बिजली को जो है हम बैटरियों में स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये अवार्ड मिला कहाँ पर मिला था? ये हमको दिल्ली में मिला है, इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में। अच्छा, तो इस अवार्ड की कामयाबी का सिरे किसे देना चाहेंगे? मम्मी पापा और स्कूल वालों को। अच्छा, भविष्य में क्या करने की आपकी योजना? मैं आईटीआई करके इंजीनियर बनना चाहता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।